नमस्कार, आपका राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत है। धन की समस्या, कर्ज से मुक्ति, व्यापार में सफलता, तंत्र बाधा, रोग से मुक्ति, विदेश यात्रा, संतान का सुख, पितृ दोष, मांगलिक दोष, ग्रह शांति, कुंडली मिलान व वास्तु परामर्श के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान पाए, एक भरोसा जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित कार्तिक गौर और मेरे साथ हैं कुंडली विशेषज्ञ तंत्र ज्योतिषाचार्य श्री पंडित कर्मवीर अनुराग जी। गुरु जी, आज आप हमें योगिनी की साधना बताइए कि यह योगिनी होती क्या है और इनकी साधना करने से हमें क्या लाभ होता है। आपका सवाल बहुत सुंदर है और योगिनी साधना बहुत आसान साधना होती है, दिव्य साधना होती है और बहुत अद्भुत साधना होती है। इसको हर कोई कर सकता है, ये बहुत अद्भुत साधना होती है, इसको हर कोई कर सकता है। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और साधक लोग तो करते ही करते हैं। जो साधना करते हैं वो हर साधक इस साधना को जरूर करता है। मैं इस साधना के बारे में एक बात बता दूँ, ये साधना उन लोगों को करनी चाहिए जिनका दिल बहुत मजबूत हो। कच्चे दिल वालों को नहीं करनी चाहिए साधना, क्योंकि इसमें साधक की जान भी जा सकती है। अगर साधक का दिल कमजोर है तो उसकी जान भी जा सकती है। इस साधना को वो लोग कर सकते हैं जो काली के मंत्रों का जाप करते हैं, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या फिर रामायण का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं नित्य प्रतिदिन, या शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो साधक इस साधना को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। ये 64 योगिनियाँ होती हैं और ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की सहायिकाएँ होती हैं। जो भी मतलब कोई छोटे मोटे कार्य होते हैं या माँ की सेवा जो करनी होती है तो योगिनियाँ करती हैं, यशनी सेवा करती हैं, तो उनमें से ही ये नट योगिनी है जिसकी साधना मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी साधना के लिए हमें एक मोटा सा कम से कम 10-15 साल पुराना जामुन के पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर नीम का पेड़ हो कोई ऐसा जो काफ़ी प्राचीन हो, पुराना हो, जिसका तना काफ़ी मोटा हो। ऐसे वृक्ष को ढूंढ लीजिए आप, या तो नीम का पेड़ चुन लीजिए या जामुन का पेड़ चुन लीजिए और ये साधना एक रात में ही आप संपन्न कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र आपको जपने हैं वो 10,000 मंत्रों का जाप आपको करना है और ये शावर मंत्र है और आसानी से हो जाएगा। इस मंत्र के लिए कोई लक्षण आपको बांधने की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान साधना है। बस इसके लिए क्या है कि दिल मजबूत होना चाहिए आपका। अगर दिल मजबूत है तो आप साधना को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर पाएंगे। तो साधना के बारे में जानकारी देते हैं कि साधना के लिए हमें क्या करना चाहिए। साधना के लिए हमें सबसे पहले घर से मीठी पूड़ी बनवा के लेके चलनी है। एक पूड़ी बनानी बड़ी सी और उसमें 11 लोंगे चुभो देनी है डंडी की तरफ से साबुत, और पूड़ी को एक पत्ते पे रख के ले जाएं और 11 लोंग एक्स्ट्रा हमें चाहिए उसको भी एक पान का पत्ता मंगा लें। पान के पत्ते में बीड़ा सा बना ले लोंगों को अंदर रखकर, उसका बीड़ा बना के साथ ले जाएं और थोड़ा सा देसी गाय का दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, उसको साथ लेके चलें। मंगलवार के दिन ये साधना आपको संपन्न करनी है। जाएं अपने जहाँ आपने जामुन का पेड़ देखा हुआ है या नीम का पेड़ देखा हुआ है वहाँ जाके आसन बिछा के बैठ जाएं। किसी पत्ते में जो आप पूड़ी ले गए वो सामने पूड़ी रख दें, दूध रख दें कुल्हड़ में, और जो आप जो पान का पत्ता है, पान के पत्ते में जो आप लौंग ले गए हैं, बीड़ा बनाकर ले गए हैं, उसको भी किसी पत्ते पर ही रखना है आपको, जमीन में नहीं रखना है। अभी जाके इस तरह से हाथ जोड़ के प्रणाम करना है वृक्षराज को, जामुन के पेड़ का, जामुन के पेड़ को, या जो नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ को प्रणाम करना है और उसके बाद उस भोग का अर्पण करना है। पूड़ी का भोग लगाएं और कच्चा दूध थोड़ा सा जमीन पे छोड़ दें और उसके बाद आप मंत्रों का जाप स्टार्ट कर दें। मंत्र मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो उसमें से देख लेना। 10,000 मंत्रों को आपको उसका जाप करना है। ये साधना आपको 7 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे के बीच में संबंध करनी है। इस बीच में आपको 10,000 मंत्रों का जाप आसानी से कर लोगे आप। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा कोई मंत्र नहीं है, किसी माला की जरूरत नहीं है, कोई न्यास नहीं करना, कोई विधि विधान नहीं करना, खाली मंत्रों का जाप करना। जब आपका मंत्र जाप हो जाए उसके बाद उस जो पान का बीड़ा है वो उस पेड़ की जड़ के नीचे दबा दें। उस पान के पत्ते में जो आप लौंग लेके गए हो उसको जमीन में दबा दें पेड़ के नीचे जड़ के पास, और फिर उसके उठ जाएँ हाथ जोड़कर और फिर 11 परिक्रमाएँ करें।
जैसे आप 11 परिक्रमा को पूर्ण करेंगे वो योगिनी धम से प्रकट हो जाएगी, पेड़ से कूद के आपके सामने प्रकट हो जाएगी खुले बालों में काले कपड़ों में। उसको देख के डरना नहीं है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, माँ के रूप में उसको संबोधन करना है कि हे माँ, मैंने आपको अपने कार्य के लिए आपकी आराधना की है, आपका पूजन किया है, आप माँ के रूप में मेरी इस साधना को संपन्न करें माँ, और आप मुझे वचन दें कि मैं जब भी आपको याद करूँगा अपने काज के लिए मैं बुलाऊँगा, आप आएंगी और मेरे कार्य को संपन्न करेंगी। उसके बाद माता को भोग दे दें और माता से वचन ले लें। फिर माँ कहेगी कि जब भी मैं आऊँगी तो मुझे भोग चाहिए, तो उसी जगह जहाँ आपने साधना कर रहे हैं आप उसी जगह आपको भोग देना है, वो मीठी पूड़ी का भोग देना है, कच्चे दूध का भोग देना है, और वो सारी ज़िंदगी आपके वो जो माता है नट योगिनी है वो सारी ज़िंदगी आपकी जो भी आपकी इच्छा होगी उसको आगे पूर्ण करेगी। मगर इस साधना का जो आप लाभ है सिर्फ अपने लिए ले सकते हैं, आपको कोई भी समस्या होती है उसका समाधान माता आके करेगी, मगर जन कल्याण के लिए नहीं कर सकते। क्या आप सोचो कि मैं पड़ोसी के लिए कर दूँ, मित्रों के लिए कर दूँ, या मतलब और किसी रिश्तेदार के लिए कर दूँ, नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए आप साधना का लाभ ले सकते हैं। और यह साधना बहुत अच्छी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस साधना को संपन्न करेंगे और जो आपके अनुभव होंगे वो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी साधना की बातें और ऐसी धर्म की जुड़ी बातें आपको सीखने को मिले। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बरों के साथ ताकि उनको भी इस जानकारी का इस साधना का लाभ प्राप्त हो सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई साधना के साथ। राधे राधे।